ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में बात होगी बुरहानपुर की, जहां सशक्त पत्रकार समिति, राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा और यूनाइटेड प्रेस ऑर्गेनाइजेशन वाणी की मांग के बाद बालिका के साथ दुष्कर्म और हत्या करने वाले आरोपी के घर पर चला प्रशासन का बुलडोजर। साथ ही बात होगी फरुखाबाद की, जहां वैशाख की पूर्णिमा पर हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई श्रद्धा की डुबकी, और बताएंगे कैसे मेरठ में विधायक रफीक अंसारी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बुरहानपुर में हुई शर्मसार कर देने वाली घटना, जिसमें 6 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में दोषी गौरव उर्फ कुशल को फांसी देने सहित उसके मकान पर बुलडोजर चलाने की मांग पत्रकार संगठनों व अन्य द्वारा की गई थी। मांग को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन एक्शन मोड में आया और आज यानी गुरुवार को आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाकर उसके घर को तोड़ने का कार्यवाही प्रारंभ की गई। कार्यवाही में प्रशासन का अमला मौजूद रहा। बता दें कि सशक्त पत्रकार समिति, राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा और यूनाइटेड प्रेस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भी मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की गई थी कि जल्द ही आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया जाए और इसके साथ ही आरोपी को फांसी देने की कार्यवाही भी की जाए। मृतक बालिका के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की राशि दी जाए। ये 3 मांगों में से एक मकान पर बुलडोजर चलाने वाली मांग को पूरा किया गया, जिस पर संगठन के पदाधिकारियों ने प्रशासन को धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर कलीम खान, प्रीतम महाजन, तौकीर आलम, फैसल समरोज, भगवान दास शाह सहित अन्य पदाधिकारियों ने भी कार्यवाही के लिए प्रशासन का धन्यवाद अदा किया। सशक्त पत्रकार समिति, राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा और यूनाइटेड प्रेस ऑर्गेनाइजेशन और भी अन्य संस्थाओं ने एक पत्र दिए थे, ज्ञापन दिए थे प्रशासन को, कलेक्टर मैडम को एक उनसे निवेदन किया गया था। ऐसे आरोपी जो इतना खतरनाक भयंकर आरोपी, इसका घर किया तोड़ा जाए, और प्रशासन ने हमारी मांग को माना और साथ ही हमने, और इसके अलावा 1 करोड़ रुपये उस परिवार को राहत राशि मिलना चाहिए, और साथ ही मैं धन्यवाद देता हूं प्रशासन का, कलेक्टर मैडम का, एसपी साहब का, एडिशनल एसपी साहब का, सीएसपी साहब का, एसडीएम मैडम का, तहसीलदार साहब का, कि उन्होंने हमारी बात जो मांगे हमने रखी थी उस पर हमारी एक मांग पूरी हुई। धन्यवाद। ये सशक्त पत्रकार समिति, यूनाइटेड प्रेस ऑर्गेनाइजेशन और राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा में कल ये मांग की गई थी कि जो आरोपी है, इसने 6 वर्ष की बालिका के साथ में दुष्कर्म किया, उसकी हत्या कर दी, उसके मकान पर बुलडोजर चलाया जाए और अतिक्रमण की कार्रवाई की जाए। आज हमारी मांग को वो अन्य लोगों ने भी मांग की थी, उस सभी मांग को और उस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन का पूरा आज हमला है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये आरोपी जो था, जिसने 6 वर्ष की बालिका के साथ में हत्या की थी, बलात्कार किया था, आज उसका मकान तोड़े गया है। ये एक प्रशासन के लिए हम धन्यवाद देंगे और इसके साथ ही शासन से हम मांग करेंगे कि आरोपी को फांसी दी जाए और इसके साथ में परिजन को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाए। मैं उमेश जंगाले, सशक्त पत्रकार समिति प्रदेश अध्यक्ष। उसकी हत्या कर दी गई थी, आज इसको लेकर क्या कार्रवाई की गई? आज जो कार्रवाई है नियम निगम और राजस्व की संयुक्त टीम के द्वारा किया जाता है, इसमें कल निगम के द्वारा सर्वे कर लिया गया था, जिसमें आरोपी का जो मकान है उसमें 167 स्क्वायर फीट का जो हिस्सा वो अतिक्रमण पाया गया है, और इसके साथ साथ जो आरोपी है उसका एक शॉप भी था, मैकेनिक शॉप था उसका टू व्हीलर बनाने का, तो वो पूरा अतिक्रमण में था तो उसको भी हटाया गया। और सुरक्षा की दृष्टि से जो है पुलिस फोर्स हमारे ग्रामीण क्षेत्रों का भी है और अन्य हमारे रक्षित केंद्र का भी है, और इसमें शहर के जितने भी थाना प्रभारी, समस्त थाना प्रभारी को इसमें लगाया गया है ताकि कोई भी क्राउड का ऐसा मिसमैनेजमेंट ना हो। सर, मकान पूरा नहीं ढहाया जा रहा, जो अतिक्रमण है वो जो अतिक्रमण का हिस्सा है वो अभी ढहाया जा रहा है। आरोपी है उसका यहाँ पर मकान बना हुआ है, मकान की नाप जो उसमें पाया है कि लगभग 167 वर्ग फुट अतिरिक्त निर्माण उसने किया है, तो जितना अतिरिक्त निर्माण है उसको तोड़ने का यहाँ काम चल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर वो एक अस्थाई कपड़ा लगाकर मैकेनिक का काम कर रहा था, कपड़ा भी अतिक्रमण में स्थित था, उसका निर्माण जो अतिरिक्त जो हुआ है दिक्कत से उसको तोड़ने की कार्रवाई। बुरहानपुर से सीनियर संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट।
खबर फरुखाबाद से है, जहां पांचाल घाट पर आज बैसाख की पूर्णिमा के अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ गंगा स्नान के लिए उमड़ी। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा जी में श्रद्धा की डुबकी लगाई और गंगा स्नान किया। गंगा स्नान करके पूजा अर्चना की और वहीं पर गंगा के घाट पर पंडित रानू फरुखाबाद ने बताया कि आज बैसाख की पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व है। मान्यता है कि महीना भगवान नारायण का महीना माना जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु इस संसार के पालनहार हैं और उन्हीं की कृपा से हम सभी लोग इस संसार में हैं। और आज बुद्ध पूर्णिमा भी है, इसी दिन बुद्ध जयंती के नाम से भी जानते हैं। माना जाता है कि इसी दिन से भगवान बुद्ध ने संसार को उपदेश देना शुरू किया था। पांचाल घाट पर पुलिस प्रशासन ने भी उचित व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग किया। महाराज जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रानू पंडित, गंगा मैया की। कहाँ के निवासी हैं आप? फरुखाबाद। आज बैसाखी पूर्णिमा है, तो इस पूर्णिमा को क्या महत्व का क्या महत्व है और इसे क्यों मनाते हैं? देखिए, बैसाखी पूर्णिमा का महत्व इसकी है कि बैसाख का महीना जो है स्वयं नारायण का महीना कहा गया है, भगवान विष्णु का जो है महीना कहा गया है। इसमें पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। जो भी कुछ करते हैं तो एक तो हमारी सनातन संस्कृति का ये है कि चैत मास के बाद में जो बैसाख लगता है तो उसमें जितनी भी हमारी फसलें होती हैं, जो भी कुछ होता है, वो सारा कुछ हो जाता है। तो इससे आदमी के पास धन दान की बढ़ोतरी हो जाती है, अनाज का भी भंडार हो जाता है। और उसके उपरांत जो है बैसाखी पूर्णिमा श्रेष्ठ पूर्णों में एक कही गई। इसका मतलब जो भी आप दान पुण्य करते हैं इसका श्रेय नहीं है। इसी महीने में देखिए परशुराम जयंती होती है, गंगा सप्तमी होती है, भगवान गंगा मैया का जन्मोत्सव होता है, इसलिए ये बैसाखी पूर्णिमा का विशेष महत्व दिया गया है। और आज बुद्ध भगवान बुद्ध की जो है वो जयंती भी, इसलिए बुद्ध पूर्णिमा को भी रूप से हम लोग जो है बैसाखी पूर्णिमा को। लगभग आज यहाँ इस पांचाल घाट पर कितने श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठी हुई होगी? कम से कम ये तो आप अनुमान करिए 50 से 60 हज़ार से आस पास, लाख भी हो सकता है पूरे पांचाल घाट। आप यहाँ कितने दिनों से वास कर रहे हैं? ये तो हमारा साहब पुश्तैनी कर रहे हैं, हमारी 4 पीढ़ियाँ हो गई यहाँ पे। तो जो पहले टोका घाट पे स्नान होता था तो हमारे बाबा, फिर उसके बाद में पुरानी गटिया पर बाबा, इस प्रकार से हमारी ये 4 पीढ़ियाँ हो गई पिताजी के बाद में इस कारोबार को हमने किया। लेकिन लोकेश, थोड़ी मेरी आपसे यहाँ पर प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था मुहैया कराई गई है? प्रशासन की तरफ से फोर्स वगैरह की सारी व्यवस्थाएँ की गई हैं, लेकिन वो प्रशासन के तौर पे उतनी ही व्यवस्थाएं होती, प्रशासन कितना करता है, स्वयं में जागृत लोग नहीं है, इसलिए थोड़ी अव्यवस्था हो जाती है। जैसे स्नान करने वाले लोग आते हैं काफ़ी सारे, जो यहाँ तो हम लोग सारी व्यवस्था रखते हैं, बैरिकेडिंग से लगा के सब कुछ। अन्य बहुत सारे ऐसे घाट हैं जहाँ पर नई व्यवस्थाएँ होती हैं, तो वहाँ पर उनको व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से करना चाहिए। यानी कि कह सकते हैं कि प्रशासन की तरफ भी व्यवस्थाएँ हैं, लेकिन कुछ यहाँ जो लोगों की जागरूकता न होने के कारण यहाँ पर व्यवस्था फैलाई गई है, अव्यवस्था हो जाती है। जैसे श्रद्धालु स्नान के लिए आते हैं और बैरिकेडिंग लगे, उसके बावजूद भी बाहर स्नान कर रहे हैं, तो उसके लिए इस चीज़ की मुस्तैदी होनी चाहिए कि नहीं भाई बाहर क्यों कर रहे हो स्नान, उससे दुर्घटना होगी। दुर्घटना काफ़ी हो भी चुकी है। फरुखाबाद से सीनियर संवाददाता आदर्श की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद जनपद में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही हुई रुजागर। बता दें, स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत से संचालित हो रहे अवैध नर्सिंग होमों में गर्भवती महिलाओं को नवजात शिशुओं की मृत्यु दर रोकने के लिए गांव-गांव में आशा बहुओं को तैनात किया गया है। आशा बहुओं को सरकार ने जिम्मेदारी सौंपी थी, सरकारी अस्पताल में ले जाकर प्रसूताओं का सुरक्षित प्रसव कराएं। पैसे के लालच में आशा बहु निजी नर्सिंग होम में प्रसूताओं को भर्ती कराती हैं। कमीशन के लालच में आशा बहु प्रसूताओं की जान के साथ खिलवाड़ कर रही है। वहीं बताते चले कि निजी नर्सिंग होम में प्रसूता और बच्चे की मौत होने पर परिजनों ने हंगामा काटा। हॉस्पिटल संचालक ने मृतका के पति के साथ मारपीट की। बताते चले कि फरुखाबाद जनपद के थाना जहानगंज के गांव महमदपुर अमलैया निवासी इंद्रेश की पत्नी सीमा को प्रसव पीड़ा होने पर गांव की आशा अनीता के साथ परिजनों ने प्रसूता सीमा को अंजलि हॉस्पिटल मसेनी में भर्ती कराया। निजी नर्सिंग होम संचालक ने प्रसूता का ऑपरेशन कर प्रसव कराया। ऑपरेशन से अंजलि ने बेटे को जन्म दिया। ऑपरेशन के बाद प्रसूता अंजलि और नवजात शिशु की हालत बिगड़ गई। नवजात शिशु की हालत बिगड़ने पर निजी नर्सिंग होम संचालक ने उसे राम मनोहर लोहिया अस्पताल भेज दिया।
नवजात शिशु की लोहिया अस्पताल में मौत हो गई। उसके बाद प्रसूता की हालत बिगड़ गई। परिजन प्रसूता अंजलि को लेकर मेडिकल कॉलेज जा रहे थे। मेडिकल कॉलेज जाते समय अंजलि की मौत हो गई। जब जच्चा और बच्चा दोनों की मौत से परिजनों में निजी नर्सिंग होम में शव को रखकर हंगामा किया। परिजनों ने आरोप लगाया कि डॉक्टर की लापरवाही से दोनों की मौत हुई। परिजनों ने जमकर हंगामा किया तो नर्सिंग होम संचालक सुधीर ने प्रसूता के पति इंद्रेश की पिटाई कर दी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने नर्सिंग होम संचालक सुधीर को हिरासत में लेकर शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आइए जानते इस विषय में मृतिका की बहन रेनू का क्या कुछ कहना है। कौन है प्रसूता की? वो मेरी बहन है। बहन छोटी से। कितने रुपए जमा कराए इन्होंने? इन्होंने एक बार 40,000 किए। अच्छा। फिर उन्होंने 18,000 किए। फिर उन्होंने कितने 15,000 किए। खून के बोतल ले ली। वो खून की पाउच अलग से 20,000 का। 20,000 रुपए का पाउच। कौन सा ब्लड ग्रुप बताया था? खून है कुछ? मैं खून नहीं। इन्होंने खून का पैसा लिया। इन्होंने खुद मंगाया। कहाँ से मंगाया मेरे को नहीं मालूम। खून आपने लिया? नहीं, मैंने पैसा दिया। 20,000 रुपए दिया आपने? 20,000 पाउच का दिया मैंने। खून आया था? खून आया था। खून लगा? खून आधा लगा, नहीं लगा मेरे को। मैं अंदर देखने नहीं गई। मरीज का नाम क्या है? सीमा। सीमा। उनके पति का नाम क्या है? इंद्रेश। कहाँ रहने वाले हैं ये? मामोदपुर। अच्छा, क्या दिक्कत क्या थी? डिलीवरी केस था। नॉर्मल हुआ नहीं? नॉर्मल। ऑपरेशन करवाया। उसके इनके इन्हें लेके कौन? आशा बहू आई थी? हाँ, आशा आई थी। क्या नाम है आशा का? आशा का नाम क्या बता? अनीता देवी। कहाँ है? इमलैया की और धान मंडी की भी। अच्छा, तो क्या कहीं लोहिया सल नहीं लेके गई थी क्या? नहीं, डायरेक्ट यहीं पे इन्होंने लोगों ने भर्ती किया। जब हम लोग आए तब तक यहाँ वो भर्ती हो चुकी। ऑपरेशन कराइए जाके। ऑपरेशन के लिए कितने बच्चे सीमा किए हैं? एक भी नहीं। एक भी नहीं। पहला बच्चा था ये? फर्स्ट नंबर था। खत्म हो गया बच्चा? बच्चा भी और इसको भी मार के तब तो वो ले जाए। रिफर करने का मतलब अगर कुछ शरीर में कुछ दम हो या कुछ नब्ज चल रही हो तो ले जाता है। मतलब रिफर करने का यही खत्म हो गया। फरुखाबाद से सीनियर संवाददाता आदर्श की रिपोर्ट। जालना जिले के भोकरदान तालुका के जावखेड़ा खुर्द गांव में रात 12 बजे से 1 बजे के बीच एक चौंकाने वाली घटना घटी। कुछ अज्ञात लोगों ने हमला कर पूरे घर में तोड़फोड़ की। दोनों भाइयों ने वायरल वीडियो में आरोप लगाया है कि केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे और विधायक संतोष दानवे के लोगों ने मारपीट की। वीडियो में दिख रहे युवक का नाम समाधान संतरे है। सड़क से सटी जमीन पर विवाद है, इसलिए हमने कानून के मुताबिक सड़क की जमीन छोड़ दी है। वहीं सार्वजनिक बांधकाम विभाग के अधिकारियों ने भी पंचनामा किया था। वहीं संबंधित लोगों का आरोप है कि हमलावरों ने उनके मकान पर जबरन कब्जा करने के लिए उनके साथ मारपीट की और मकान को ध्वस्त कर दिया। जावखेड़ा के पीड़ित समाधान संतरे और तुकाराम संतरे ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और गृहमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। इस बीच विमल संतरे की शिकायत पर हसनाबाद पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है। वही बता दें कि शिकायत में यह भी कहा गया है कि जेसीबी से पूरे घर को तोड़ दिया गया है और इसका मुआवजा मिलना चाहिए और हमलावरों ने व्यवसाय की जमा पूंजी के 19,000 रुपए भी लूट लिए हैं। शिकायत में चेतावनी दी गई है कि यदि संबंधितों के खिलाफ शीघ्र कार्यवाही नहीं की गई तो हम जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने नग्न होकर आंदोलन करेंगे। महाराष्ट्र जालना से सीनियर संवाददाता शबीर पठान की रिपोर्ट। खबर मेरठ से, जहां सपा विधायक रफीक अंसारी की गिरफ्तारी के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट से गैर जमानती वारंट के मामले में एसएसपी ने सीओ सिविल लाइन के नेतृत्व में टीम गठित कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि विधायक की तलाश में दबिश दी जा रही है, वो अपने घर पर नहीं है। मेरठ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए की अदालत से आईपीसी की धारा 147, 436 और 427 के तहत आपराधिक मुकदमे में दर्ज किए गए 22 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। इस पर संबंधित अदालत ने अगस्त 1997 में संज्ञान लिया। रफीक अंसारी अदालत में पेश नहीं हुए। 12 दिसंबर 1997 को गैर जमानती वारंट जारी हो गया था। बार बार 101 गैर जमानती वारंट जारी हो गए। सीआरपीसी धारा 82 के तहत कुर्की प्रक्रिया के बावजूद रफीक अंसारी अदालत में पेश नहीं हुए और हाईकोर्ट चले गए।
कोर्ट ने इस मामले में डीजीपी को निर्देश दिए कि रफीक अंसारी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी किए गए और गैर जमानती वारंट की तामील सुनिश्चित करें। सीओ सिविल लाइन अभिषेक तिवारी का कहना है कि विधायक की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। आइए जानते हैं इस विषय में एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने आगे और क्या कुछ कहा। सर, शहर विधायक रफीक अंसारी के लिए कोर्ट से क्या आदेश आए हैं और क्या क्या कार्रवाई की है? देखिए, मुकदमा संख्या 293/95, इसमें कोर्ट द्वारा इनके खिलाफ एनडब्ल्यू जारी किया गया है, उसी को तामील कराने के लिए सीओ सिविल लाइन एवं एसएचओ नौचंदी की एक टीम गठित की गई जो ये इंश्योर करेगी एनडब्ल्यू तामील किया जाए। मेरठ से सीनियर संवाददाता जावेद अब्बासी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।